एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 में किस तरह से आपके 2000 पेपर में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इसके बारे में आज हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट, आज हम लोग जो देखेंगे वो है टॉपिक नंबर 4, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग। अगर आप चाहते हैं कि सर इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग कवर करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। आज हम लोग जो देखेंगे वो है ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर 4, जिनका नाम है महासागरों और महाद्वीपों का वितरण। यानी इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपसे पिछले 5 साल में पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम में किस तरह से पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन को आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और साथ ही साथ स्टूडेंट उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो क्लास 11 में जस्ट एग्जाम देने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं। सो स्टूडेंट, एग्जाम क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाता हूँ, उसके बारे में आप लोग सबसे पहले ध्यान दें। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें 2023 के एग्जाम में अच्छी तरह से तैयारी करके अच्छे अंकों से पास होना है, आप क्लास 11 में हैं और आप अच्छे अंकों से पास होना चाहते हैं, तो याद रखिएगा आप लोगों के लिए एक न्यू बैच हमारे इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया गया है, जिसका नाम है, याद रखिएगा, टारगेट मिशन 2023 एग्जामिनेशन। यानी इस बैच में आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। इसको परचेस करने के लिए सबसे पहले हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मात्र 149 रुपये में क्लास 11 का पूरा कोर्स परचेस कर सकते हैं। सोल्यूशन, बहुत सारे स्टूडेंट इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, तो इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करें, 9122888860 पर आप लोग व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से 2023 के एग्जाम में रिजल्ट करना है क्लास 11 से रिगार्डिंग, तो आप लोग अच्छी तरह से आप क्लास जो अभी न्यू बैच स्टार्ट किया गया है टारगेट मिशन 2023 एग्जामिनेशन, इसमें आप लोग जल्द से जल्द इनरोल करें यानी एडमिशन लें, क्योंकि इसमें आपको वो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए स्टूडेंट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब क्वेश्चनों को आप अच्छे ढंग से करेंगे तो आपके पेपर में जैसा भी क्वेश्चन आए आप छूटने वाले नहीं है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद ऐसे लगभग कितने वर्ष पहले महाद्वीपों एवं महासागरों का उद्भव हुआ है। तो कितने वर्ष के बाद, याद रखिएगा 3.8 लाख वर्ष पहले, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। किसी भी तरह से दिक्कत होगी स्टूडेंट तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से अच्छी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले किसी तरह से दिक्कत होगी ऐप को डाउनलोड करने में, तो याद रखिएगा ऐप का नीचे हमारे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है हमारे टेक्निकल टीम का, आप अच्छी तरह से उसमें व्हाट्सएप करके क्लास 11 का जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अल्फ्रेड वेगनर कहाँ के विद्वान थे, जो अल्फ्रेड वेगनर है वो कहाँ के विद्वान थे, जर्मनी के। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था, जिसका जो प्रतिपादन किया गया था 1912 में, कब की गई थी 1912, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आपके पेपर में इसी तरह से बिल्कुल प्रश्न छपने वाले हैं, पेंजिया किसे कहा गया है, जो पेंजिया है उसे हम लोग किसे कहेंगे। तो सभी महाद्वीप एक स्थान पर थे उन्हें कहा जाता है, यानी सभी महाद्वीपों को एक स्थान पर जब देखा गया था तो उसी को हम लोग बोलते थे पेंजिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि पेंथियालासा महासागर किसे कहा गया, जो पेंथियालासा महासागर है वो किसे कहा गया है। तो पेंजिया के चारों ओर महासागरों को, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर होगा। सो स्टूडेंट, अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में जैसे ही हम लोग एंड करेंगे हमारे अपने अपना सिलेबस को, इसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा जो मॉडल सेट तैयार किए गए हैं, 5-5 मॉडल सेट, उन मॉडल सेट को अगर आप कर लेते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे ढंग से अगर स्टडी कर रहे हैं तो आप अच्छी में से 80 में से 80 अंक ला सकते हैं। पर शर्त है कि आपको वीडियो के बिना स्किप किए देखना है, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर स्टूडेंट बीच बीच में बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाते रहते हैं, तो इसको आपको नोट डाउन करना है, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखना है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका को साथ स्थित होने की संभावना व्यक्त की थी, तो उसके बारे में आपको बताना था, वह है अब्राहम आर्टेलियस, ऑप्शन नंबर
बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कि इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, यानी आपको बताना है जो लघु प्लेट नहीं है उसके बारे में बताना है। तो अंटार्कटिक ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। छोटे स्टूडेंट आपको अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को सेंड करें और उन्हें बताएं कि इस प्लेटफॉर्म में सबसे कम फी में आप लोगों को बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा जा रहे हैं, जहां पे आपको 190 याद रखिएगा स्टूडेंट, ये जो 200 था ये 240 रुपीज का डिस्काउंट अभी ओनली फॉर आपको 149 रुपया में क्लास 11 का पूरा कोर्स हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ये इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, जहां पे डिस्टर आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिस्टर जो जुड़ चुके हैं, अगर आप में से नहीं जुड़े हैं तो डियर स्टूडेंट इस न्यू बैच जो स्टार्ट किया गया है जिनका नाम है, न्यू बैच का नाम है टारगेट मिशन 2023। इस बैच में आप लोग जरूर इनरोल करें, एडमिशन लें, क्योंकि डिस्टर इस बैच में आपको वो प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो किसी भी तरह से दिक्कत होगी तो नीचे भी डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेक्निकल टीम का व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, या इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट करके अच्छी तरह से क्लास 11 के बारे में पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हिमालय पर्वतों के साथ भारतीय प्लेट की सीमा के इस तरह की प्लेट सीमा है, किस तरह की जो प्लेट सीमा है इसके बारे में आपको बताना है। तो महाद्वीपीय अभिसरण ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का संबंध किस प्लेट से है, जो भारत का संबंध है उनका संबंध किस प्लेटों से है। तो इनका जो संबंध है वह है इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हॉट स्पॉट के सिद्धांत कब प्रस्तुत किया गया था, जो हॉट स्पॉट है उस सिद्धांत को कब प्रस्तुत किए गए थे। तो याद रखिएगा ये प्रस्तुत किए गए थे 1971, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। इसी तरह से अगर मॉडल पेपर भी करना चाहते तो डिस्टर हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप एप्लीकेशन को हमारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, हमारे एप्लीकेशन को आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप अच्छी तरह से क्लास 11 का बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मध्य महासागरी कटक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा स्टेटमेंट जो है वह राइट है। तो याद रखिएगा ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि प्लेट का अर्थ है, जो प्लेट है उनका अर्थ बताना है, जो प्लेटें हैं दोस्तों इसका अर्थ होगा ए और बी, बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों पिछले 5 साल में पूछे गए हैं, उन सब क्वेश्चनों को मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, और साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ दोस्तों कि आगे आने वाले प्रश्न में, आगे आने वाले जो एग्जाम है 2023-2024 में किस तरह से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं इसके रिगार्डिंग भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। रूपांतरण सीमा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, रूपांतरण सीमा के संदर्भ में ऑप्शन नंबर ए और बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नदियों की तली में खनिजों का अवसाद के रूप में निक्षेपण क्या कहलाते हैं, तो क्या कहा जाता है। तो यार प्लेसर निक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि टिलाइट के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट जो है राइट है, टिलाइट के संबंध में कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो है राइट है। तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर होगा, उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। स्टूडेंट वीडियो को बिल्कुल आप लोग अच्छी तरह से देखें और उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें, उस फ्रेंड तक सेंड करें जो अभी जस्ट क्लास 11 के एग्जाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, लेमुरिया प्रजाति के जीवाश्म एक कहां मिला है, जो कहां मिले हैं याद रखिएगा इसे कहा गया है कहां पे। तो उपयुक्त सभी भारत में भी है, ऑप्शन नंबर अफ्रीका में भी है, और मेडागास्कर भी है, यानी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन तीनों देशों में पाए जाते हैं। क्या लेमुरिया प्रजाति, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो प्रश्न है 2021 में पूछे गए थे प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेंजिया के विभाजन के समय कौन से दो बड़े महाद्वीपीय पिंड अस्तित्व में आए थे, तो कौन से दो महाद्वीप थे, वह है लॉरियस, याद रखिएगा लॉरियसिया और गोंडवाना लैंड, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही उत्तर होगा क्या सी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि पोलर फ्लाइंग बॉल किससे संबंधित है, जो पोलर ब्लाइंड फॉल है वह किससे संबंधित है, तो यह पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। किससे संबंधित है, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न आपको अपने कॉपी पे नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न है कि वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन के लिए किन बलों का उत्तरदायी बताया है, तो किन बलों को उत्तरदायी बताया था, तो पोलर फ्लाइंग बल और एक था ज्वारीय बल, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। सो स्टूडेंट, आप लोग चाहते हैं कि सर हमें बेहतरीन तरीके से क्लास 11 में तैयारी करना है और अच्छे अंकों से पास होना है, तो आप लोगों के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है। नोट डाउन करेंगे, एक न्यू बैच स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है स्टूडेंट क्या, टारगेट मिशन 2023। याद रखिएगा इस बैच का नाम है टारगेट मिशन 2023 2023। इस बैच में आपको वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सो गाइस, इस प्लेटफॉर्म में आपको एडमिशन लेने से पहले आपको सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, हमारे ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। आप अच्छी तरह से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से क्लास 11 का पूरा कोर्स मात्र 149 रुपया में परचेज कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं बता दूं स्टूडेंट कि आप लोगों को इसमें वो क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं स्टूडेंट जो जुड़ चुके हैं, अगर आप में से ऐसा कोई स्टूडेंट है जो गरीब फैमिली से रिलेशन है ये रिलेटेड है, या आप चाहते हैं कि सर हमें अच्छे अंकों से पास होना है, तो आप जल्द से जल्द इस बैच में एनरोल करें। क्योंकि इस जो बैच स्टार्ट किया गया न्यू बैच जिनका नाम है टारगेट मिशन, इसमें आपको टारगेट किए जाएंगे कि 2023 के पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहला खासियत है कि जैसे आप एडमिशन लेंगे स्टूडेंट, आपको हर एक दिन आपका चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे, चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझाए जाएंगे, उसके बाद आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। याद रखेंगे पीडीएफ भी आपको अवेलेबल किया जाएगा। और जैसे ही आपका मान लेते हैं कि हिस्ट्री का जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है, इसके बाद हमारे प्लेटफॉर्म के टीचर द्वारा पांच हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं। इस मॉडल पेपर में आपको क्या करना होगा, पांच मॉडल पेपर तैयार किया गया है। इस मॉडल पेपर को कर लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं स्टूडेंट कि आपसे पेपर में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनमें से एक भी प्रश्न आपसे इससे बाहर नहीं पूछेंगे। पर शर्त है स्टूडेंट कि क्लास जैसे एंड होंगे, यानी आपका सिलेबस जैसे ही एंड होंगे, सिलेबस एंड होने के बाद आपको इन पांचों मॉडल सेट को करना है। आप अगर मॉडल सेट को बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो आपके पेपर में जैसे भी क्वेश्चन को रोटेट किया जाए आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। पर शर्त है कि आप अच्छी तरह से हमारे प्लेटफॉर्म पे आके इनरोल करें, एडमिशन लें और अच्छी तरह से ढंग से पढ़े, और उस स्टूडेंट तक ज़्यादा से ज़्यादा सेंड करें जो गरीब बच्चे जो ट्यूशन कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते। इसीलिए स्टूडेंट सोचिए, आप साल भर का कोर्स स्टूडेंट आपको मात्र 149 रुपये में दिया जा रहा है, जो एक जियो के रिचार्ज के बराबर भी नहीं है, ताकि स्टूडेंट इसमें आप पढ़कर अच्छे अंकों से पास हो सके। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें इस प्लेटफॉर्म से एडमिशन लेना है, तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। इस एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे, और डाउनलोड करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें 9122888 60 पर, इस पे व्हाट्सअप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, आप बेहतरीन तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। आप लोग इस पे जल्द से जल्द ध्यान दें, आप लोगों के लिए कि डिस्काउंट किया गया है। क्वेश्चन है कि प्लेटो विवर्तनीकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ये स्टेटमेंट जो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रस्तुत किए गए थे पैकेंजी, पार्कर, मॉर्गन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्लेट विवर्तनीकरण के सिद्धांत कब प्रस्तुत किए गए थे, ये जो प्रस्तुत किए गए थे इसके बारे में बताना है। ये प्रस्तुत किए गए थे 1967, क्या हो जाएगा 1967। अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वह है जियोग्राफी का पार्ट ए, यानी इसका दो बुक आते हैं जिसमें से बुक नंबर वन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वह है टॉपिक नंबर थ्री। इसके बाद डिस्टेंट जैसे हम लोग जियोग्राफी एंड करते हैं, इसके बाद हम लोग कोई और ऐसा सब्जेक्ट को उठाकर स्टडी करेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्टली छपने वाले हैं।
इसके बाद हम लोग देखने वाले इकोनॉमिक्स, हिंदी इलेक्टिव हिंदी कोर, इंग्लिश इलेक्टिव इंग्लिश कोर, ये सभी सब्जेक्ट को हम लोग बेहतरीन तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग चाह रहे थे कि सर हम लोग इसी तरह से क्लासेस चाहिए एवरीडे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उस स्टूडेंट तक इस वीडियो को सेंड करें जो पैसे के कारण स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए एक